वेलकम डियर ऑकर्ड्स, आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है टुमॉरोलैंड। मूवी की शुरुआत 1964 में होती है, जहाँ पर एक छोटा लेकिन बहुत ही होशियार बच्चा फ्रैंक न्यूयॉर्क में चल रही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया हुआ है। इस प्रतियोगिता में दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार करने वाले लोग हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर जज है एक निक्स नाम का आदमी। फ्रैंक का बनाया जेटपैक देखकर निक्स काफी प्रभावित होता है, लेकिन जब फ्रैंक बोलता है कि ये जेटपैक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो निक्स अपना फैसला बदल लेता है। निक्स के असिस्टेंट एथना को जेटपैक बहुत ही पसंद आता है, लेकिन फिर भी निक्स बोलता है, फ्रैंक मैं तुम्हें प्रतियोगिता में तब तक आगे नहीं भेज सकता जब तक तुम्हारा जेटपैक ठीक से काम नहीं करेगा। ये सुनकर फ्रैंक का दिल ही टूट जाता है। वो बाहर बैठे बस यही सोच रहा होता है कि पापा ठीक ही कहते थे कि फ्रैंक तुम इस सब में बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तभी वहाँ पर एथेना आती है, जो कि फ्रैंक को एक ऑरेंज रंग की पिन पकड़ाती है जिस पर नीले रंग का टी बना हुआ है। वो बोलती है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन तुम किसी की नजरों के सामने मत आना। अब निक्स को दिखाया जाता है जो कि लोगों को किसी खास जगह लेके जा रहा है। वहाँ लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और फ्रैंक चुपचाप एक दूसरी जगह से होते हुए एक खाली नाव पर पहुंच जाता है। बीच रास्ते में एक लेजर फ्रैंक की पिन पर गिरती है और इसके बाद एक दरवाजा खुलता है जो कि फ्रैंक की नाव को नीचे बनी अंधेरी जगह में लेके जाता है। अब फ्रैंक को गाड़ी जैसा कुछ दिखता है, लेकिन वो चीज भविष्य की कोई आधुनिक चीज लग रही है और वो एक गाड़ी है। फ्रैंक खुशी से उसके अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वहां की सभी खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और गाड़ी पागलों की तरह हिलने लगती है। फिर फ्रैंक नीचे गिर जाता है और गाड़ी के रुकने तक खड़ा ही नहीं हो पाता। दरवाजे के खुलने पर फ्रैंक बाहर जाता है। वो देखता है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर है और सारी जगह बहुत ज्यादा कोहरा हो रखा है। वो तब बहुत ही हैरान हो जाता है जब उसके पास से कोई उड़ती हुई गाड़ी जाती है और उस गाड़ी में एथना और निक्स बैठे हुए हैं। फ्रैंक उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े बड़े रोबोट्स उसके सामने आ जाते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारा छोटा फ्रैंक इधर उधर भागते हुए रोबोट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से उसका जेटपैक भी टूट जाता है। तभी एक अच्छा सा रोबोट वहां आता है और फ्रैंक के जेटपैक को ठीक करके उसको वापस देता है। उसी वक्त फ्रैंक को पकड़ने के लिए वहाँ कुछ पहरेदार आते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए फ्रैंक एक और बार नीचे कूद जाता है। और अब की बार उसके पास उसका काम करता हुआ एक जेटपैक है, इसलिए वो जेटपैक को डालकर उसको चालू कर देता है और मस्त हवा में उड़ पा रहा होता है। फ्रैंक कोहरे से उड़ता हुआ आगे जाता है और उसको पता लगता है कि वो एक बहुत ही एडवांस शहर में पहुंच गया है जिसका नाम टुमॉरोलैंड है। इस शहर में पूरी दुनिया के सबसे होशियार लोग रहते हैं। तभी फ्रैंक को एथना दिखती है, इसलिए वो एथना के पास उधर जाता है और ऐसा करते हुए वो निक्स को दिखाना चाहता है कि मेरा जेटपैक चलने लगा है, लेकिन निक्स उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पर एथना फ्रैंक का हाथ पकड़ते हुए बताती है कि उसकी जिंदगी इस शहर में कैसी होने वाली है। अब सालों बाद 2015 में दिखाते हैं, कैसी नाम की एक लड़की फ्लोरिडा में बने हुए नासा के लॉन्च पर पहुंच जाती है, जहां से नासा अपने रॉकेट्स वगैरह भेजती है। कैसी वहां पर ऐसी मशीन को खराब करने आई है जो कि चीजों को तबाह करने के काम आती है। कैसी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नासा उसके पापा को नौकरी से निकाले जो कि वहां पर काफी समय से काम कर रहे हैं। एथना ये सब कुछ चुपचाप देख रही होती है और जब कैसी अपने घर पहुंचती है, एथना अपना एक छोटा स्कैनर का इस्तेमाल करके कैसी का डीएनए ले लेती है। अब वो टुमॉरोलैंड की आखिरी पिन में कैसी का डीएनए डाल देती है। अगली सुबह कैसी के पापा एडी को फोन आता है और लॉन्च साइट पर जो हुआ उस बारे में बताया जाता है। कैसी को लग रहा होता है कि उसने अपने पापा की नौकरी बचा ली है, लेकिन उसके पापा बताते हैं कि नासा जल्दी नए क्रेन्स लेके आ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये कोशिश करना बंद कर दो। हालांकि कैसी बोलती है कि पापा आप हिम्मत मत हारो, आप हिम्मत रखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। शाम के समय कैसी एक और बार मशीन में गड़बड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन अब की बार पुलिस उसका इंतजार कर रही है और इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ घंटों बाद कैसी को जेल से निकलवाने के लिए कोई उसकी बेल देता है और कैसी घर जाने से पहले अपना सामान ले लेती है। सभी चीजों के बीच उसको एक पिन मिलती है और जैसे ही वो पिन को छूती है उसको ऐसा देखता है जैसे कि वो किसी दूसरी जगह पहुंच गई हो। पिन नीचे गिर जाती है और जैसे कैसी पिन को दोबारा छूती है तो वो दोबारा किसी और जगह पहुंच जाती है। अगली बार कैसी पिन को ठीक से उठाती है और उसको कुछ दूरी पर एक बड़ा शहर दिखाई देता है, लेकिन जब वो उस शहर की तरफ जाने की कोशिश करती है उसके हाथ से पिन गिर जाती है और फिर उसको पता लगता है कि वो अभी भी जेल में है, क्योंकि इधर उधर चलते वक्त वो जेल की चीजों से टकरा जाती है। ऐसा कुछ दोबारा ना हो इसके लिए कैसी च्युइंगम के रैपर का इस्तेमाल करती है और पिन को उठाती है। तभी कैसी के पापा एडी वहां पर आते हैं और उन्होंने कैसी की बेल करवा ली है। घर जाते हुए एडी कैसी की उल्टी हरकतों के लिए उसको काफी डांटता है, इसलिए कैसी अपने पापा को पिन दिखाते हुए बोलती है, पापा आप एक बार इसको छू कर तो देखो, आपको सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। हालांकि जब एडी पिन को टच करता है तो पहले जैसा कुछ भी नहीं होता। अब कैसी को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए वो खुद पिन को टच करती है, लेकिन कैसी तो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। उसको समझ आ जाता है कि पिन उसी के टच करने पर काम करती है।
अब एडी को लगता है कि कैजी बार बार पिन का बहाना बनाई जा रही है, इसलिए वो गुस्से में आकर कैजी से पिन ले लेता है। घर पहुंचने के बाद कैजी एडी के सोने का इंतजार करती है ताकि वो अपनी पिन चुरा ले। जैसे वो पिन को टच करती है वो दोबारा किसी और दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे वो शहर में जाने की कोशिश करती है तो वो अब घर की दीवारों में टकरा जाती है और सीढ़ियों से भी नीचे गिर जाती है। फिर शोर शराबे की आवाज को सुनकर एडी जाग जाता है, जिसकी वजह से कैजी छुपी जाती है और फिर ये सब कुछ किसी और जगह करने का ट्राई करती है। कैजी अब एक बड़े से मैदान में जाती है और अपनी पिन को टच करती है। ऐसा करते ही वो टुमारोलैंड पहुंच जाती है। शहर में आगे जाने के लिए कैजी एक ट्रेन लेती है और तभी उसको देखता है कि उसकी पिन पर टाइमर लगा हुआ है जिस पर उल्टी गिनतियां चल रही है। साथ ही उसको पता लगता है कि कोई भी उसको देख नहीं सकता। अब कैजी अगले स्टेशन पर उतर जाती है और वहां वो देखती है कि कुछ वैज्ञानिक किसी दूसरी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। कैजी उनका पीछा करती है लेकिन अचानक उसके चारों तरफ पानी पानी दिखने लगता है क्योंकि उसके पिन पर टाइमर जीरो तक पहुंच गया है। कैजी फिर भी आगे बढ़ती जाती है और जल्द ही टुमारोलैंड गायब हो जाता है। फिर कैजी अपने आप को तालाब जैसी किसी चीज के बीच में पाती है। अब कैजी अपने घर पहुंचती है और अपने भाई नेट को जगाती है और उससे बोलती है, तुम मुझे पापा के कंप्यूटर का पासवर्ड बताओ, मुझे कंप्यूटर में कुछ जरूरी देखना है। दोनों मिलकर इंटरनेट पर पिन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनको एक दुकान के बारे में पता चलता है जो ऐसी पिन को खरीदना चाहते हैं। कैजी उस दुकान का पता लगा लेती है और अपने भाई को बोलती है, अगर पापा तुमसे कुछ पूछे तो कह देना मैं अपने दोस्तों के साथ जा रखी हूँ। अब सुबह के समय दिखाते हैं तो एथना नेट के पास आती है और कैजी के बारे में पूछती है, लेकिन जवाब में नेट बोलता है, दीदी तो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग में गई हुई है। एथना को पता लग जाता है कि नेट झूठ बोल रहा है, इसलिए वो नेट पर दबाव डालती है और फिर नेट सब कुछ सच सच बता देता है। इस सब के दौरान कैजी भी उस दुकान पर पहुंच जाती है जिसके बारे में उसने इंटरनेट पर देखा था। दुकान पर काम करने वाले दोनों लोग पिन को लेना चाहते हैं। वो कैजी को बोलते हैं, लड़की जो सब तुमने इस पिन की मदद से देखा वो बिल्कुल सच है। वो आगे बताते हैं, टुमारोलैंड एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सभी होशियार लोग रहते हैं। वो इसलिए ताकि वो दुनिया की राजनीति और लालच से दूर रह सके और उस शहर में बस इसी पिन की मदद से जाया जा सकता है। ये दोनों पिन को खरीदना चाहते हैं और साथ ही पूछते हैं, तुम्हें ये पिन कहां से मिले? लेकिन जब कैजी उनका जवाब नहीं देती और बाहर जाने लगती है तभी दुकान में काम करने वाले ये दोनों इंसान बाहर जाने का दरवाजा ही बंद कर देते हैं। दोनों फिर कुछ खतरनाक हथियार निकालते हैं जिसमें से प्लाज्मा निकलता है। अब कैजी इधर उधर छुपने की कोशिश करती है लेकिन उसको ढूंढ लिया जाता है और हथियार पकड़ के खड़े ये दोनों लोग किसी छोटी लड़की के बारे में पूछते हैं। अचानक खिड़की से एक ग्रेनेड अंदर आता है और दोनों लोगों को कुछ देर के लिए जमाई देता है। अब हथियार के साथ एथना अंदर आती है और बोलती है, ये एक टाइम बॉम्ब है और इसका असर जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। एथना कैजी का हाथ बाहर निकालने में मदद करती है लेकिन इसकी वजह से टाइम बॉम्ब बंद हो जाता है और दुकान में काम करने वाले दोनों लोग आजाद हो जाते हैं और फिर वापस से हमला करते हैं। अब एथना उन दोनों से लड़ती है और कैजी भी इसमें एथना की मदद करती है। जब एथना उन दोनों में से एक का सर अलग कर देती है तो कैजी ये देखकर हैरान हो जाती है कि दुकान में काम करने वाले दोनों लोग इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स हैं। एथना बताती है कि ये दोनों जल्दी धमाके से फटने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए। अब एथना एक गाड़ी की खिड़की को तोड़कर दरवाजा खोलती है और कैजी को अंदर बैठने को बोलती है। किसी खास तरह की चीज का इस्तेमाल करके वो गाड़ी को चालू कर देती है और जाने से पहले बोलती है, इससे पहले कि वो लोग हमको ढूंढ ले हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। रास्ते में कैजी सवाल पूछने लगती है और एथना बताती है, तुम्हारे पास जो पिन है वो मैंने ही तुम्हें दी है। अब इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती उसके शरीर में आई चोट की वजह से बहुत गड़बड़ होने लग जाती है। अब कैजी ये बात देखकर डर जाती है कि एथना खुद भी आधी इंसान और आधी रोबोट है। इसकी वजह से कैजी वहां से भागी जाती है और एथना भी उसका पीछा करने लगती है। लेकिन जैसे ही एथना कार से उतरती है एक ट्रक उसको टक्कर मार देता है। फिर ट्रक चलाने वाला आदमी एथना को देखने आता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन कैजी इस मौके का फायदा उठाती है और ट्रक को चुरा कर भाग जाती है। हालांकि एथना बिल्कुल सही सलामत है, वो जल्दी से ट्रक का पीछा करती है और खिड़की को तोड़कर गाड़ी की चाबी ले लेती है और साथ ही दरवाजे भी लॉक कर देती है। अब कैजी चिल्ला के बातें करने लगती है। कैजी का मुंह बंद करवाने के लिए एथना बोलती है, तुम ऐसी आखिरी इंसान हो जिसको मैंने पिन दी है, हमें जल्द ही टुमारोलैंड जाना होगा क्योंकि हमने वहां कुछ ऐसा बना दिया है जो हमें नहीं बनाना चाहिए था। इस सबके दौरान पुलिस वाले उसी की दुकान पर आते हैं जहां धमाका हुआ था। उनको जले हुए रोबोट्स के सर मिलते हैं लेकिन इससे पहले कि वो कोई और जांच कर पाते तभी वहां डेव नाम का एक आदमी आता है। वो बताता है, मैं सरकार की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता हूं। अब रोबोट के सर देखने के बाद डेविड भी एक आधुनिक हथियार निकालता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है। अब अपने साथियों को बोलता है, हमें लड़की का पता चल गया है और हमें इस बारे में निक्स को बताना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क जा रही होती हैं क्योंकि वहां एक ऐसा आदमी है जो कि टुमारोलैंड जाने में उनकी मदद कर सकता है। कैजी अब उन लोगों के बारे में पूछती है जिन लोगों को बाकी पिंस मिले हैं, लेकिन एथना इस बात का जवाब नहीं दे पाती और कुछ समय के लिए बंद ही हो जाती है। अगली सुबह एथना जागती है और खुद गाड़ी चलाने लगती है ताकि कैजी भी कुछ देर आराम कर सके। एथना बोलती है, जिस बंदे से हम मिलने जा रहे हैं उसका नाम फ्रैंक है। अब कैजी के सो जाने के बाद एथना उन अच्छे दिनों को याद करती है जब वो और फ्रैंक मजे किया करते थे।
कुछ घंटों बाद कैसी जागती है और देखती है कि उसको कार से उतारकर किसी घर के बाहर छोड़ दिया गया है। अब एथनो को वहां से जाता हुआ देखने के अलावा कैसी के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो उस घर की तरफ जाती है। तभी उसका पीछा वहां रहने वाला एक कुत्ता करने लगता है। तभी कैसी गलती से कीचड़ में फंसकर गिर जाती है और उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि उसका पीछा जो कुत्ता कर रहा है उस कुत्ते के तो निशाने नहीं पड़ रहे हैं और वो समझ जाती है कि कुत्ता टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ एक परछाई है। अब इस कुत्ते पर कोई ध्यान न देते हुए कैसी दरवाजे पर जाकर अपनी पिन कैमरा में देखती है और बोलती है मुझे टुमॉरलैंड जाना है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। तभी बहुत तेज हवा से कैसी को धक्का मारा जाता है और घर से बूढ़ा हो चुका फ्रैंक बाहर आता है। फ्रैंक पूछता है तुम एथना के साथ आई हो ना, मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ पर है। जब फ्रैंक को पता लगता है कि एथना तो यहाँ से जा चुकी है तो वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कैसी को बोलता है लड़की तुम भी यहाँ से चले जाओ क्योंकि टुमॉरोलैंड एक झूठ है। इसके बाद फ्रैंक वापस अपने घर चला जाता है और दरवाजे बंद कर देता है। कैसी जाने से मना कर देती है और बारिश होते हुए भी वो वहीं दरवाजे पर बैठी रहती है। आखिर में वो इंतजार कर करके थक ही जाती है और एक प्लान बनाने के लिए अपने आसपास देखने लगती है। फिर वो अपने प्लान की शुरुआत एक ट्रक को जलाकर करती है जिससे फ्रैंक को घर से बाहर आना ही पड़ता है। और जब फ्रैंक आग को शांत करने में लगा होता है कैसी घर के अंदर चले जाती है और दरवाजा भी अंदर से बंद कर देती है। जब फ्रैंक अंदर आने की कोशिश करता है तो कैसी उसको भी हवा का धक्का मार के पीछे फेंक देती है। अब कैसी घर के अंदर जांच करने लगती है और उसको घर के अंदर अजीबोगरीब चीजें मिलती है। एक मशीन से वीडियो गेम जैसा कुछ चलता है जिसमें फ्रैंक एथना को हंसाने की कोशिश कर रहा है और एथना ऐसे करने से मना कर देती है। अब कैसी एक और कमरे में पहुंचती है जहां बहुत सारे स्क्रीन पर समाचार चल रहे हैं और साथ ही टेबल पर एक टाइमर भी रखा हुआ है जिसका टाइम कम होते जा रहा है। अचानक सीढ़ियों के नीचे से एक खुफिया दरवाजा खुलता है और फ्रैंक वापस अपने घर में पहुंच जाता है। फिर वो कैसी को घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है लेकिन कैसी बाहर जाने से मना करते बोलती है तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि यहां चल क्या रहा है। फ्रैंक बताता है मुझे टुमॉरोलैंड से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें बना दी थी जो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी और स्क्रीन पर चल रहा ये टाइमर उस मशीन के साथ ही जुड़ा हुआ है। वो आगे बताता है मेरी बनाई हुई मशीन फ्यूचर में देख सकती है और स्क्रीन पर जो सीन दिख रहे हैं वो पृथ्वी के तबाह होने के ही है, ये बिल्कुल सच है और जल्द ही होने वाला है। लेकिन कैसी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसी के इस विश्वास के साथ ही पृथ्वी की तबाही वाली परसेंटेज कम हो जाती है और ये देखकर फ्रैंक हैरान ही हो जाता है। उनकी बातचीत के बीच डेव और उसके आदमी आ जाते हैं जो कि असल में रोबोट्स हैं और कैसी की तलाश कर रहे हैं। फ्रैंक तभी के तभी सारी खिड़कियां बंद कर देता है लेकिन जब एक रोबोट अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अंदर आने की कोशिश करता है तभी फ्रैंक उस रोबोट को अपने हथियार से झटका देकर मार देता है। एक और रोबोट अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और वो दीवार पर लगे हथियार से मारा जाता है। इस तरह फ्रैंक दो रोबोट्स को नीचे गिराकर छुटकारा पा लेता है। इसके बाद फ्रैंक और कैसी आगे बढ़ रहे होते हैं जहां एक और रोबोट उनका इंतजार कर रहा है। फ्रैंक को उस रोबोट के साथ भी लड़ाई करनी पड़ती है इसलिए उस रोबोट को मारने के लिए कैसी फ्रैंक की मदद करती है और एक पोर्टल मशीन को रोबोट के ऊपर मारती है। अब दोनों ऊपर पहुंचते हैं जहां काफी रोबोट्स फ्रैंक के बनाए हुए जाल में फंसकर मर रहे हैं लेकिन डेव वहां पर आ जाता है और फ्रैंक के ऊपर बंदूक तान के खड़ा होता है। तभी किस्मत से कैसी को एक बैट मिलता है और वो डेव की पिटाई कर करके कुचुमर बना देती है। फ्रैंक कैसी को बाथरूम में लेके जाता है और अब दोनों बाथटब के अंदर बैठ जाते हैं। फ्रैंक फिर एक रिमोट का इस्तेमाल करता है और तभी टब एक कैप्सूल में बदल जाता है। एक और रोबोट आकर टब को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी फ्रैंक टब को लॉन्च कर देता है और उनका कैप्सूल एक तालाब में पहुंच जाता है। अब फ्रैंक और कैसी तैर कर एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां फ्रैंक ने एक मोटरसाइकिल छुपा कर रखी हुई है लेकिन वो चल नहीं पाती। दोनों का ध्यान तभी एक लाइट पर जाता है लेकिन वो कोई और नहीं एथना है जो कि उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए आई हुई है। अब तीनों मिलकर जा रहे होते हैं और रोड पर पहुंचते ही फ्रैंक और एथना के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है और अब पता चलता है कि सभी के सभी पिंस को तबाह किया जाना था लेकिन एथना 12 पिंस लेकर भाग गई थी ताकि वो टुमॉरोलैंड में और लोगों को लेकर आ सके। फ्रैंक गुस्से में बोलता है तुम इस सब के बीच छोटे छोटे बच्चों को क्यों खींच रही हो। वो कैसी को बोलता है कि एथना ने तुमसे झूठ बोला था कि वो सवाल जवाब ज्यादा करने पर बंद हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उस समय वो तुम पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। फ्रैंक आगे बोलता है कि मुझे तो लगता है कि एथना ने तुम्हारा साथ पाने के लिए कोई ड्रामा किया होगा और फिर तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। एथना को इस बात का बहुत बुरा भी लगता है लेकिन अभी के लिए इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती और उनको एक जगह लेके जाती है जहां फ्रैंक ने एक मशीन को बनाया हुआ है जो कि फ्रैंक के घर से सिग्नल्स को पकड़ सकती है। वहां एक और कैप्सूल भी है जिसमें वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ चीजें लगा लेते हैं और फिर मशीन के शुरू करते ही ये मशीन उन्हें किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है। अब पहुंचने पर कैसी को पता लगता है कि वो एफिल टावर के ऊपर पहुंच गए हैं। दरवाजे के पास एक पहरेदार होता है लेकिन फ्रैंक अपने साथ बनाई कुछ चीजें लेकर आया हुआ है। उसके बैग में एक छोटी सी मशीन है जिसकी मदद से कैसी बड़ी आसानी के साथ पहरेदार को बेहोश कर देती है। अब वो एक और कमरे में पहुंचते हैं जहां दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक आए हुए हैं। फ्रैंक बताता है कि एफिल, वेरेंट, टेस्ला और एडिसन इन सब ने मिलकर टुमॉरोलैंड को बनाया हुआ है। इन्होंने एफिल टावर को एक एंटीना की तरह इस्तेमाल किया जिसकी मदद से हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तभी एक बात बताई जाती है कि इस जगह में एक खुफिया तरीका है जिसकी मदद से टुमॉरोलैंड जाया जा सकता है जिसको सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं और मिल जाने पर फ्रैंक उसको शुरू कर देता है।
ऐसा करने पर एफिल टावर दो हिस्सों में बन जाता है और नीचे से एक रॉकेट बाहर आता है। अब फ्रैंक और दोनों लड़कियां जल्दी से रॉकेट में चली जाती हैं क्योंकि अभी भी कुछ रोबोट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। उड़ने के लिए जो ताकत रॉकेट बाहर छोड़ता है उसकी मदद से बुरे रोबोट्स बहुत दूर पहुंच जाते हैं। फिर कुछ देर तक उड़ने के बाद रॉकेट्स वापस धरती पर तेजी के साथ गिरने लगता है, जिसकी वजह से टुमारोलैंड में जाने का एक रास्ता खुलता है। कुछ देर बाद ये सभी टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं और उनको यहाँ आते हुए देख भी लिया गया है, इसलिए उनको लेने के लिए वहाँ पहरेदार आते हैं। इसलिए फ्रैंक एथना को एक खास तरह का बॉम्ब देता है जिसको एथना अपने शरीर में छुपा लेती है। सबसे पहले उनसे निक्स मिलने आता है जो कि शहर का गवर्नर बन गया है। वो फ्रैंक और उसके साथियों को गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन जब फ्रैंक और एथना उसको बताते हैं कि कैसी पृथ्वी के खत्म होने वाली परसेंटेज को कम कर पाई थी, तो निक्स अपना फैसला बदल लेता है। निक्स तीनों को हेडक्वार्टर लेकर जाता है जहां उन्होंने फ्रैंक की खतरनाक मशीन को रखा हुआ है जिसका नाम टैक्यून मशीन है। जब वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो कैसी को कुछ होलोग्राम्स दिखाई देते हैं जो कि भविष्य की चीजें दिखा रहे हैं। ये सब एक मशीन की वजह से हो रहा है जो कि एक ऐसे कण का इस्तेमाल करती है जो कि रोशनी की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। अब चारों लोग मशीन के अंदर पहुंच जाते हैं और फ्रैंक कैसी को सिखाता है कि ये मशीन कैसे चलती है और वो इस मशीन की मदद से इंसानों के इतिहास को कैसे देख सकते हैं। अब कैसी मशीन की मदद से कुछ दिनों पहले का सीन देखती है जिसमें वो अपने घर पर खड़ी है। फ्रैंक उसको बताता है तुम चाहो तो इस मशीन की मदद से फ्यूचर में भी देख सकती हो। इसलिए कैसी सारे इतिहास को जल्दी जल्दी देखने में लग जाती है और मुसीबत का पता लगाने की कोशिश करती है। मशीन के हिसाब से पूरी दुनिया 58 दिनों में खत्म होने वाली है। कैसी पूछती है अगर ऐसा होने वाला है तो आप लोग सारी दुनिया को इस बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, जिसके जवाब में निक्स बोलता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टुमारोलैंड को कुछ नहीं होने वाला, दुनिया तो बाकी लोगों के लिए तबाह होने वाली है। निक्स आगे बोलता है कि मैं बाहर के लोगों को अपने शहर में नहीं आने दूंगा क्योंकि जैसे बुरे हाल उन्होंने अपनी दुनिया में किए हैं वैसे ही वो टुमारोलैंड के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कैसी इस बात को मानने से मना कर देती है जिससे एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर तबाह होने वाली पृथ्वी की तस्वीर ही बदल जाती है। अब फ्रैंक इस बात के जरिए निक्स को समझाने की कोशिश करता है कि देखो अभी अभी क्या हुआ, मैंने बोला था ना इस लड़की की मदद से हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। लेकिन निक्स उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी को बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद फ्रैंक जागता है और एथना बताती है कि हम लोगों को दोबारा शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कैसी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि जो सब कुछ उन्होंने किया है वो सब कुछ बर्बाद होने वाला है। जब फ्रैंक कैसी को समझाने के लिए जाता है तो कैसी गुस्से में खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम लोग ही मुझसे झूठ बोलते आए हो, और अब वो बहुत ही भड़क जाती है और दोनों पर गुस्सा कर रही होती है। तभी उसको कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। फ्रैंक मशीन को हैक करके सभी चीजों को अपने घर पर देख पा रहा था, जिसका मतलब है कि मशीन के सिग्नल्स पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। वो बोलती है फ्रैंक की मशीन भविष्य जरूर देख सकती है लेकिन फ्यूचर में वही होता है जिस बात पर हम विश्वास करते हैं। मशीन के सिग्नल्स की वजह से पृथ्वी के लोगों ने मान लिया है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, पर मशीन को बंद करने पर पृथ्वी को बचाया जा सकता है। तभी वहाँ पहरेदार आते हैं जो कि एक पोर्टल के जरिए फ्रैंक और दोनों लड़कियों को टुमारोलैंड से दूर भेजना चाहते हैं। सभी कैसी की बताई बातें निक्स को समझाने की कोशिश करते हैं और मशीन को बंद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन निक्स बोलता है कि मशीन को अब बंद नहीं किया जा सकता। अब निक्स को इतना शांत देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि निक्स ही इन सभी चीजों के पीछे है। निक्स जानबूझकर लोगों के दिमाग में पृथ्वी के खत्म होने वाली बात को पहुंचा रहा था। निक्स बोलता है मैंने पृथ्वी की सरकारों को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि उन लोगों की वजह से पृथ्वी बेकार हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए दुनिया के लोगों में बदलाव लाने के लिए मैंने लोगों के दिमाग में तबाही वाले सिग्नल्स भेज दिए। अपने आप को बदलने की जगह इंसानों ने मान लिया कि दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। निक्स बोलता है इसमें मशीन की कोई गलती नहीं है, जो भी हो रहा है वो खुद इंसानों की वजह से हो रहा है। अब फ्रैंक भी इस बात को मानने का ड्रामा करता है और निक्स से हाथ मिलाता है, लेकिन ऐसा फ्रैंक ने इसलिए किया ताकि वो निक्स के ब्रेसलेट को छू सके और मशीन के प्लेटफॉर्म को शुरू कर पाए। एथना और कैसी पहरेदारों को संभालती है और दूसरी तरफ फ्रैंक निक्स के साथ दो दो हाथ करता है, लेकिन इसके दौरान निक्स दो रोबोट्स को एथना और कैसी के पीछे छोड़ देता है। फ्रैंक एथना से अपने देवे बॉम्ब का इस्तेमाल करने को बोलता है और ऐसा करने की कोशिश के बीच ही रोबोट एथना को पकड़ लेता है, इसलिए एथना बॉम्ब को कैसी तक पहुंचा देती है और खुद रोबोट से लड़ने लगती है। अब कैसी मशीन पर जाने वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है जो कि पूरी तरह से बहुत हिल रहा है। प्लेटफॉर्म में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि निक्स और फ्रैंक के बीच लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो ब्रेसलेट निक्स ने पहना है उसी की वजह से ये सब कुछ काबू होता है। एथना किसी तरह से एक रोबोट को काबू कर लेती है और उसकी मदद से दूसरे रोबोट को पोर्टल से बाहर फेंक देती है। ऐसा करते हुए निक्स पर भी हमला किया जाता है। अब कैसी फ्यूचर देखकर बॉम्ब को शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही बॉम्ब फेंकने वाली होती है निक्स ब्रेसलेट पर काबू पा लेता है और प्लेटफॉर्म को नीचे लेके आ जाता है। फिर एथना अपने रोबोट की मदद से उस प्लेटफॉर्म को गिरने से बचा लेती है और फिर जल्द ही पोर्टल को बंद कर देती है।
ऐसा करने से दूसरा रोबोट खराब हो जाता है और निक्स और फ्रैंक पोर्टल की दूसरी जगह पर है। उसी वक्त कैजी को बॉम्ब मिलता है जो कि जल्दी फटने वाला है। अब एथना के पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, उसको पोर्टल खोलना ही पड़ता है। जैसे ही दोनों लोग वापस अंदर आ जाते हैं, कैजी बॉम्ब को पोर्टल के दूसरी तरफ फेंक देती है ताकि बॉम्ब का धमाका उनसे दूर हो। पोर्टल टूट कर निक्स पर गिर जाता है और अब निक्स उसके नीचे फंस गया है। हालांकि पास में एक बंदूक होती है जिसकी मदद से निक्स फ्रैंक पर हमला कर देता है। अब एथना फ्रैंक को मरता हुआ नहीं देख पाती और उसको समझ आ जाता है कि वो अभी भविष्य देख रही है, इसलिए वो भागते हुए फ्रैंक को बचा लेती है लेकिन खुद चोटिल हो जाती है। कैजी निक्स से बंदूक दूर कर देती है और फ्रैंक एथना को ठीक करने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन एथना बोलती है फ्रैंक तुम रुक जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और फिर मरने से पहले वो फ्रैंक को कुछ जरूरी चीजें बताती है। वो कुछ पुराने समय की रिकॉर्डिंग्स लाती है जिसमें दोनों साथ में टाइम बिताया करते थे। जब फ्रैंक छोटा था तो उसको एथना पसंद थी, लेकिन बेचारे का दिल टूट गया था जब उसको पता लगा था कि एथना असल में एक रोबोट है। एथना को ये बात हमेशा से ही बहुत बुरी लगी थी। एथना बताती है कि फ्रैंक की वजह से वो ऐसी चीजें महसूस कर पा रही थी जो रोबोट्स महसूस नहीं कर पाते। अब फ्रैंक को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि एथना भी उसको उतनी ही पसंद करती थी जितना वो करता था। अब एथना मरने वाली होती है और बताती है मेरे शरीर में धमाका होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस धमाके का इस्तेमाल करके मशीन को बंद कर दो। फ्रैंक एक जेट पैक का इस्तेमाल करके एथना को ऊपर लेके जाता है। फिर एक दूसरे को बाय बोलने के बाद एथना मशीन में गिर जाती है। पूरी मशीन तबाह होने लग जाती है और मशीन के टूटे हुए हिस्से निक्स के ऊपर गिरते हैं और वो भी मर जाता है। टुमोरोलैंड की बिजली चली जाती है और इसके दौरान फ्रैंक एक नदी में सही सलामत उतरने की कोशिश करता है। कैजी भागते हुए फ्रैंक को देखने जाती है। फिर दोनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए और फ्यूचर वाले कुछ चीजें देखकर उन्हें अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। सबसे पहले फ्रैंक पोर्टल को ठीक करता है जिससे कैजी अपने घर वालों से मिल सके। इसके बाद दोनों मिलकर पिन प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू करते हैं जिसके लिए उन्होंने एथना की तरह ही काफी सारे रोबोट्स बनाए होते हैं। ये रोबोट्स पोर्टल की मदद से दुनिया के कोने कोने में जाते हैं और ऐसे होशियार बच्चों के लिए पिन छोड़ देते हैं जो कि आगे चलकर पृथ्वी को अच्छी जगह बनाने में मदद कर सके। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक मशीन खुद बताती है कि आपकी मौत कब कहाँ और कैसे होगी, तो इस मूवी को जरूर देखिए जिसका नाम है दिस इज हाउ यू डाई। दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।